हाय दोस्तों, इस वीडियो में पोको M2 प्रो और रियलमी 7 के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन करके देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा फ्यूचर मिलता है और ये दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात, ये दोनों ये स्मार्टफोन अपने अपने कीमत पर बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप ये दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक को ले भी लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप गेम खेलिए, चाहे आप फोटो वीडियो निकालिए, आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। सब कुछ आप कर सकते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन में आराम से। दोस्तों, फिर भी ये दोनों स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन करके देखेंगे कि किसमें ज़्यादा फ्यूचर दिया गया है। तो चलिए कंपैरिजन करना शुरू करते हैं ये दोनों स्मार्टफोन के बीच। दोस्तों, ये दोनों ये स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलता है, लेकिन कीमत जो है वो पोको M2 प्रो का वो 14,000 से शुरू होता है और रियलमी 7 का वो 15,000 से शुरू होता है। तो हाँ, यहाँ पर आपको रियलमी 7 के लिए 1,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन आपको रियलमी 7 में फ्यूचर भी आपको पोको M2 प्रो से ज़्यादा मिलता है, वो आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर लुक की बात करें तो ये दोनों ये स्मार्टफोन में आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो पोको M2 प्रो में 6.67 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है और रियलमी 7 में 6.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, लेकिन रियलमी 7 में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है डिस्प्ले में, जो कि इस कीमत पर बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही कमी स्मार्टफोन है जो आपको इस कीमत पर 90Hz का रिफ्रेश रेट देता है। तो यहाँ आपको रियलमी 7 में जो डिस्प्ले मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000mAh बैटरी देखने के लिए मिल जाता है और दोनों ही स्मार्टफोन के साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर दिया गया है। तो यहाँ बैटरी और चार्जर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम देखने के लिए मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जिसमें आप हैवी गेम आराम से खेल सकते हैं। पोको M2 प्रो में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G मिलता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, और रियलमी 7 में आपको मीडियाटेक का हेलियो G95 प्रोसेसर मिलता है जो कि ये भी एक गेमिंग प्रोसेसर है और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन पोको M2 प्रो में जो प्रोसेसर मिलता है वो रियलमी 7 से थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। अब इतना अच्छा भी नहीं है कि ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ आपको परफॉर्मेंस जो है वो आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। पोको M2 प्रो में पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप है। और रियलमी 7 में भी आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2-2 मेगापिक्सल का डेप और मैक्रो दिया गया है। दोस्तों, ये दोनों ये स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है पीछे की तरफ, लेकिन पोको M2 प्रो में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और रियलमी 7 में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। तो आप अच्छा और फोटो वीडियो पोको M2 प्रो से रियलमी 7 में निकाल सकते हैं क्योंकि आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है रियलमी 7 में। दोस्तों, अगर सेल्फी की बात करें तो ये दोनों ये स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने के लिए मिल जाता है पंच होल स्टाइल में। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम सेल्फी देखने के लिए मिल जाता है। पीछे वाला कैमरा जो है वो थोड़ा सा बेटर रियलमी 7 का निकल कर आता है। दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। आप ये दोनों ही स्मार्टफोन में 2 सिम के साथ एक चिप मेमोरी कार्ड जो होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, कंपैरिजन करने के बाद पता चला कि रियलमी 7 में पोको M2 प्रो से 2 फ्यूचर ज़्यादा मिलता है और 1000 तो आपको ज़्यादा भी मतलब देना पड़ रहा है रियलमी 7 के लिए। तो आपको यहाँ पर 2 फ्यूचर जो है वो पोको M2 प्रो से ज़्यादा भी मिलता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है। ये दोनों फ्यूचर जो है वो पोको M2 प्रो में नहीं मिलता है। ना ही आपको पोको M2 प्रो में 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है डिस्प्ले में और ना ही आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन को आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये दोनों स्मार्टफोन से कोई एक स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो आप बेफिक्र ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इम्पोर्टेंट है 90Hz का रिफ्रेश रेट और 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 1000 ज़्यादा देने के लिए तैयार है पोको M2 प्रो से,
तो मैं आपको Realme 7 को लेने के लिए बोलूँगा। इस कीमत पर बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है Realme 7। तो दोस्तों आप Realme 7 को बेफिक्र खरीद सकते हैं अगर आपके पास 15,000 है तो। अगर आपके पास 15,000 नहीं है, अगर आपके पास 14,000 है तो आप पोको M2 Pro को भी ले सकते हैं। अगर आपके लिए 90Hz का रिफ्रेश रेट इम्पोर्टेंट नहीं है, 64 मेगापिक्सल इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 48 मेगापिक्सल से ही काम चला लेंगे, फुल HD डिस्प्ले से ही काम चला लेंगे, तो आप पोको M2 Pro को ले सकते हैं। ये भी स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है अपने कीमत पर। तो दोस्तों शायद आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों स्मार्टफोन में से किसको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कल के वीडियो में मिलते हैं, बाय।